क्वेश्चन 34 बोलता है व्हाट इज द प्रोहिबिशन, व्हाट इज द प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, सो व्हाट नेचर इज दिस प्रोहिबिशन, कैसे प्रोहिबिशन है और क्या प्रोहिबिशन है, ये वाली बात। सो इसको समझते हैं एक सिचुएशन से, एक सिचुएशन से। सिचुएशन ऐसा है कि एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, लेट्स से बैंक ऑफ जापान, एंड बैंक ऑफ जापान ने प्रॉपर्टी इंडिया में ट्रांसफर की है, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन करने के लिए। ठीक है, सो प्रॉपर्टी इंडिया में ट्रांसफर की है रिकवरी ऑफ लोन करने के लिए, वो बिना आरबीआई के पैसा तो लेके जा नहीं सकता, सॉरी बिना एसबीआई के या बिना किसी इंडियन पार्टी के, बराबर। तो वो प्रोहिबिशन कौन डाल रहा है, वो ऑथराइज डीलर बता रहा है कि कौन सा पैसा आप लेके जा सकते हो और कौन सा नहीं। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसा है कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, लेट्स से द बैंक ऑफ जापान wants to sell, that is technically जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर, ओके, वो बेचना चाहता है, ओके, wants to sell immovable property in India for recovery of loan given to PRI company। ठीक है, अब इस केस में फेमा का रिस्ट्रिक्शन ये बोलता है कि देखो सर, आप जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में बेचना चाहते हो, बेचा नहीं है, बेचना चाहता है, तो उसके लिए आपको एक इंडियन पार्टी चाहिए, वो इंडियन पार्टी आपके लिए बेचेगी, वो इंडियन पार्टी आपके लिए जमा करेगी, वो इंडियन पार्टी आपको इंडिया के बाहर पैसा भेजेगी, और हमारे एग्जाम्पल में इंडियन पार्टी SBI बैंक है, तो SBI बैंक आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ ऑथराइज डीलर टू डू दिस वर्क। ओके, अब लेट सपोज आप अपने गांव में किसी कुछ काम करवाना चाहते हो अपने घर में, तो आपको कोई पर्सन चाहिए जो उस गांव के घर के आसपास हो, क्योंकि उसको जब आप बोलोगे तो वो काम करवा के देगा ना, समझा। तो उसी तरह कोई एक इंडियन पार्टी चाहिए अगर आप इंडिया के बाहर पैसा लेके जाना चाहते हो। ओके, सो इन दैट केस इसके लिए रेलिवेंट सॉल्यूशन ही था कि अप्रूवल ऑफ RBI शैल बी टेकन इफ नेसेसरी। तो RBI अप्रूवल अगर चाहिए तो ही लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। तो इसका मतलब बैंक ऑफ जापान क्या करेगा, बैंक ऑफ जापान जो लोन है वो ऐसा देगा, लेट सपोज दिस इज द बैंक ऑफ जापान, एंड यू नीड द इंडियन काउंटर पार्टी, सो दैट इज SBI, एंड द इंटायर लोन थ्रू देम इज गिवन किसको, टू द PRI कंपनी, SBI बैंक and to the PRI company, जो इस समय borrower है। इसको arranges loan from overseas bank। ठीक है, ये पार्ट काफी हद तक आपके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से डील करता है कि इंडियन पार्टी अगर कभी भी किसी से भी लोन लेना चाहे तो लोन तो ले सकती है, पर लेते समय उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करिए तो उसको एक इंडियन पार्टी चाहिए। ठीक है, सो इधर कौन क्या है,
यहां पर ये बन जाती है बोरोवर, ठीक है, फाइन। बैंक ऑफ जापान क्या बन गया? सिक्योर्ड क्रेडिटर। और एसबीआई बैंक क्या बन गया? ऑथराइज्ड डीलर। ठीक है, तो बिना ऑथराइज डीलर के कोई भी मॉर्गेज, कोई भी चार्ज किया हुआ कंपनी का पैसा इंडिया के बाहर नहीं जा सकता, समझा? दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। सो द लॉ ऑन द पॉइंट इज दैट ऑथराइज डीलर, ऑथराइज डीलर दैट इज एसबीआई इन आर केस, परमिट्स परमिट्स मॉर्गेज और चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ पीआरआई कंपनी इन इंडिया। ओके, सो इट इज द ऑथराइज डीलर दैट परमिट्स द चार्ज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ पीआरआई कंपनी इन इंडिया। ओके, एंड दस दस ऑथराइज डीलर दैट इज द ऑथराइज डीलर बैंक हु हैज परमिटेड चार्ज और मॉर्गेज विल परमिट द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओके विल परमिट द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड रिपैट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स आउटसाइड इंडिया, समझा? तो इन शॉर्ट बैंक ऑफ जापान को इंडिया के बाहर पैसा लेके जाना है। ओके बॉस, बैंक ऑफ जापान को क्या चाहिए? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक इज द वन हु विल सेल द प्रॉपर्टी, एसबीआई बैंक इज द वन हु विल कलेक्ट द फंड्स, एसबीआई बैंक इज द वन हु विल चेक बैंक ऑफ जापान का आउटस्टैंडिंग कितना है, एंड एसबीआई बैंक इज द वन हु विल ट्रांसफर द फंड्स आउट ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ जापान एसबीआई बैंक को कुछ देगा? देगा ना, ऑथराइज डीलर अपॉइंट किया तो अपना एजेंट अपॉइंट किया ना, एजेंट फ्री में थोड़ी ना काम करेगा, तो वो भी कुछ ना कुछ देगा, सम प्रोसीड्स हैज टू बी गिवन फॉर दैट। ठीक है, क्लियर, फाइन। नाउ दिस क्वेश्चन पुट्स मी टू अनदर वन, दैट इज एक और सिचुएशन इसी रूल में डिस्कस की गई है, दैट अनदर सिचुएशन सेज व्हाट, लेट्स सी। सिचुएशन ऐसी है, अब हाँ बोलो। तो इस केस के अंदर सिचुएशन कुछ ऐसे बन रही है कि कैन लेट्स से डायरेक्टर्स हु आर एनआरआईज और ओसीआईज और ओसीआईज ऑफ अ पीआरआई कंपनी ऑफ अ पीआरआई कंपनी गिव देयर प्रॉपर्टी इन मॉर्गेज और चार्ज फॉर लोन और चार्ज फॉर लोन टू पीआरआई कंपनी। ओके, दैट इज द क्वेश्चन।
कि अगर लोन दिया है पीआरआई कंपनी को, क्या हमारे डायरेक्टर्स अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकती हैं? और अगर कर सकते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा लेके जाया जा सकता है? क्वेश्चन अपने आप में रेलिवेंट था कि ऊपर हमने लोन तो दिया है कंपनी को, पर प्रॉपर्टी डायरेक्टर्स की भी मॉर्गेज हो रही है। से फॉर एग्जाम्पल, बिफोर आई डिस्कस दिस, दैट इज मेरे एनआरआई डायरेक्टर है मेरी कंपनी के, कनाडा रहते हैं। एनआरआई ओसीआई डायरेक्टर है, कनाडा रहते हैं। ओके, बेस्ड डायरेक्टर, ठीक है, और इनकी इंडिया में प्रॉपर्टी भी है, हैविंग प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है। अभी बैंक ऑफ जापान ने जब इंडियन कंपनी को लोन दिया था, बैंक ऑफ जापान ने एसबीआई बैंक के थ्रू जब लोन दिया था, लोन टू पीआरआई कंपनी, थ्रू एसबीआई ब्रांच, ठीक है, और इधर लोन लेने वाली कंपनी अपनी इंडियन कंपनी थी, दैट इज पीआरआई कंपनी। तो बैंक ऑफ जापान ने जब लोन दिया था तो हमारी एसबीआई बैंक ने पीआरआई कंपनी पे चार्ज और वो मॉर्गेज रजिस्टर किया था जो ऊपर अभी आपने देखा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कनाडा वाले डायरेक्टर की प्रॉपर्टी पे भी कोलैटरल चार्ज, कोलैटरल चार्ज या मॉर्गेज किया है, ठीक है, एसबीआई बैंक ने। तो अब सवाल ये है कि क्या मैं डायरेक्टर की प्रॉपर्टी लेके भी जा सकता हूं? ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? ऐसे सिचुएशन में जापान बैंक का कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाता है एसबीआई बैंक इंडिया, और एसबीआई बैंक तुम्हें फोन करता है, अरे लीगल एडवाइजर, हमको एक प्रॉपर्टी बेचनी है और उसके टर्म्स और पेपर्स रेडी करवाओ। सर कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया में एक कंपनी ने लिया था लोन, लोन में कंपनी के एनआरआई बेस्ड डायरेक्टर ने दी थी अपनी प्रॉपर्टी गारंटी में, वो मॉर्गेज में, अब वो प्रॉपर्टी बेचनी है, बोलो चलो उसके पेपर्स बनवाओ। तो अब आपके पास काम आ गया, पेपर बना के देखने का, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सब करवा के देने का है। बायर, एसबीआई ने बोला बायर रेडी है, तुम पेपर बनवाओ, हम चाहिए तो ऑक्शन कर देंगे, तुम पेपर रेडी रखो। तो चलो, तो इस केस में एक सवाल आपसे ये भी पूछ रहा है एसबीआई, अच्छा ये पैसा वैसे इंडिया के बाहर लेके जा सकते हैं कि नहीं? तो ये आपसे, आप क्या बोलोगे? सर ये तो कंसल्टेशन हुआ। हाँ तो ठीक है, उसका चार्जेस अलग से देंगे, लेके जा सकते हैं क्या? अब याद रखना, अच्छे से एडवाइस देना क्योंकि चार्जेस भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में भी मिलता है अपने को, मॉर्गेज इज वन सच स्ट्रीम्स जो बहुत सी चीजों में मिलता है। ओके, इसके पेपर्स बनाओ, इसका रेडी करो, तो ठीक है चलो। तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, पहले आपका आंसर ये है कि देखो भाई, ऑथराइज डीलर और एसबीआई बैंक ऑफ जापान का कॉरेस्पॉन्डेंट साथ में मिलके काम करने चाहिए। सो ऑथराइज डीलर ओके इन इंडिया, अपने केस में एसबीआई है प्लस इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ ओवरसीज बैंक, वो हो गया बैंक ऑफ जापान का कॉरेस्पॉन्डेंट, या दिस इज सॉल्यूशन, सॉरी।
वैसे ये ऊपर लिखा था। सो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंट, दे कैन टुगेदर क्रिएट अ मॉर्गेज और चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन यही है कि सर आप एक साथ मॉर्गेज चार्ज कर सकते हो ऑफ PRI कंपनी एंड ऑन इंडियन प्रॉपर्टी ओन्ड बाय NRI OCI डायरेक्टर। ओके, सो दे कैन क्रिएट अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी ऑफ द NRI कंपनी और इंडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जिसने कंपनी लॉ किया है, चार्ज क्रिएशन हो रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर, कौन सा फॉर्म? CSG 1 के CSG 9। CSG 1 ही है, स्टिक टू दैट। ओके, सो याद रखना, चार्ज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, CSG 1 फॉर्म्स हैज टू बी फाइल अलोंग विद अरे मॉर्गेज पेपर्स। ओके, इट हैज टू बी फाइल अलोंग विद द मॉर्गेज पेपर्स। ठीक है, प्लस ये तो हो गया चार्ज क्रिएशन का काम, प्लस लोन लोन शुड बी यूज्ड लोन शुड बी यूज ओनली फॉर कोर बिजनेस, ओनली फॉर कोर बिजनेस, ओके, ऑफ कंपनी इन इंडिया। तो जो भी लोन है इट हैज टू बी यूज ओनली फॉर कोर बिजनेस ऑफ कंपनी इन इंडिया या फिर ओवरसीज बिजनेस, ओवरसीज बिजनेस। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि पैसा किस लिए यूज हो रहा है और किस नेचर में यूज हो रहा है। ठीक है, तीसरी चीज, अगर PRI कंपनी का डिफॉल्ट आता है तो इफ देयर इज डिफॉल्ट बाय PRI कंपनी, सो इफ देयर इज अ डिफॉल्ट बाय द PRI कंपनी किस लिए? टू पे लोन, टू पे लोन टू ओवरसीज बैंक। ओके, सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट बाय PRI कंपनी टू पे द लोन टू द ओवरसीज बैंक, तो इंडियन SBI बैंक को क्या करना पड़ेगा? फटेक से इंडियन प्रॉपर्टी को बेच के अरेंज करने का, सो दैट द लोन कैन बी पेड बैक टू द ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो हमारी इंडियन बैंक क्या करेगी? वेल इन दैट केस देन इधर देन नहीं इधर आएगा देन इंडियन बैंक दैट इज SBI, ओके, बींग ऑथराइज्ड बींग ऑथराइज्ड डीलर कैन सेल द प्रॉपर्टी। So SBI being the authorized dealer can sell the property in India and remit the sale proceeds to overseas lender and remit the sale proceeds to overseas lender। ठीक है, so they can sell off the property in India and remit the sale proceeds to the overseas lender with the conditions that can be imposed, okay, with the condition that can be imposed, okay, conditions that can be imposed। एक तो इस चीज का ध्यान रखने का, जब प्रॉपर्टी एक्वायर की थी तब FEMA का लॉ कंप्लाई किया था,
दैट इज द प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड एज पर फेमा. एग्जैक्टली. तो जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस टाइम पे क्या आपने फेमा का लॉ कंप्लाई किया था? अगर कंप्लाई किया था तो ही आप ये पैसा इंडिया के बाहर भेज सकते हो. और देन प्रीवेलिंग लॉ, ठीक है, उस समय जो कानून था उसके हिसाब से. देन क्या आपने आरबीआई का परमिशन ऑब्टेन किया है? अगर नहीं किया है कर लीजिए. दैट आरबीआई परमिशन इज ऑब्टेन्ड, आरबीआई परमिशन इज ऑब्टेन्ड. ओके, पर कब करना है? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एसबीआई के पास खुद भी ताकत होती है. सो वेयर इट इज रिक्वायर्ड. एंड तीसरा प्रोमिनेंट, जो भी फंड्स इंडिया के बाहर आप भेज रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ उस बैंक के चैनल के थ्रू ही भेजने का है, नॉर्मल बैंकिंग चैनल. ओके, इसका मतलब एसबीआई के थ्रू ही वो फंड्स जाएगा, इधर उधर के बैंकों के थ्रू नहीं, क्योंकि आपने ऑथराइज डीलर किसको रखा था? एसबीआई. तो बैंक ऑफ जापान एंड एसबीआई कमिंग टुगेदर गिविंग अ लोन टू द इंडियन कंपनी, एंड इंडियन कंपनी के साथ इंडियन कंपनी के डायरेक्टर का भी एसेट मॉर्गेज है, जो डायरेक्टर इंडिया के बाहर रहता है. ओके, सो फंड्स हैज टू बी रिमिटेड only through banking channels. तो सारा funds banking channel के through ही remit होगा और किसी तरीकों से नहीं. समझ में आया? Everyone clear? ठीक है. एंड इसके बाद का लास्ट पार्ट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है वो ये है कि कौन सी ऐसी कंट्री वाले हैं जिसके ऊपर इस तरह का लीगल रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई तू इंडिया में प्रॉपर्टी ले नहीं सकता. ठीक है, सो दैट इज क्वेश्चन 35 दैट डील्स विद प्रोहिबिशन, दैट डील्स विद प्रोहिबिशन ऑन एक्विजिशन और transfer of immovable property in India by following citizens. Or legal entities of countries below. तो अभी आपने जो पढ़ा था उससे ही मैच कर रहा है. ओके, तो बीबीएम क्या था? बीबीएम दैट वॉज बांग्लादेश, भूटान, मकाओ. बांग्लादेश, भूटान एंड मकाओ. ठीक है, एच ए एस हांगकॉन्ग. और ये याद रखना हांगकॉन्ग है, एग्जाम में किंग कॉन्ग मत लिख के आना. ओके, ये सब बच्चे मस्ती मस्ती में लिखते भी हैं. तो हांगकॉन्ग, अफगानिस्तान, ओके, एंड श्रीलंका. ओके, एंड पीआईएन दैट इज पाकिस्तान, ईरान, नेपाल एंड कोचिन दैट इज कोरिया ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना.
ये वो कंट्री वाले जिन लोगों को प्रॉपर्टी एक्वायर करना वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी लीज पे ले सकते हैं इंडिया में? कितना दिनों का? 5 years का। सो इसका मतलब देर इज अ एक्सेप्शन। दिस एक्सेप्शन सेज द अबाव कैन एक्वायर इमुएबल प्रॉपर्टी, इमुएबल प्रॉपर्टी ऑन लीज नॉट एक्सीडिंग, ऑन लीज नॉट एक्सीडिंग 5 years। ओके, बाकी एक चीज क्लियर कर दी है कि इन सारे नेशन में रहने वाले जिनके पास OCI कार्ड है उनको ये ऊपर वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। मतलब अगर कोई बांग्लादेश में रहता है लेकिन उसके पास इंडियन गवर्नमेंट से दिया हुआ OCI कार्ड है, ओवरसी सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड, तो उनको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती है। ठीक है, ये OCI प्रिविलेज दिया है, सिर्फ OCI वालों को ये प्रिविलेज दिया है, NRI को नहीं। सो दैट इज प्रोहिबिशन अबाउ, एक मिनट, डज नॉट अप्लाई टू पर्सन्स टू हुम OCI status is given, is given by government of India. ठीक है, so जिन जिन को OCI status दिया government of India की तरफ से उनको ये restrictions नहीं लगती। okay, fine, clear?